Hey guys, welcome back to my channel Celebration of Life. और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ amazing से tips जो आपके visualization power को 10 गुना बढ़ा देंगे. बहुत सारे मेरे viewers हैं जो मुझसे question पूछते हैं कि आप अपनी visualization की power को कैसे improve कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करनी है एक बहुत ही amazing exercise. आपको इमेजिन करना है आपके सामने एक सफेद रंग का बलून बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, और अब आपको चेंज करना है उसका कलर. अब आपकी जो बलून है वो रेड कलर की हो गई, ब्राइट ब्यूटीफुल रेड. धीरे धीरे आपको क्या करना है, उसे येलो कलर का करना है, ब्लू कलर का करना है. ठीक है, तो ये जो है आपके इमेजिनेशन को क्रिएटिव बनाएगा और कलर्स में आपको इमेजिन करने में आसानी होगी. अब आपको क्या करना है, इस बलून को मूव कराना है इमेजिनेशन में. आप देखिए कि ये बलून आपसे दूर जा रही है और धीरे धीरे आपके पास आ रही है, और जैसे जैसे पास आ रही है इसका साइज बढ़ता जा रहा है. बिग एंड बिग एंड रेड कलर का बड़ा सा बलून आपकी आंखों के सामने है. अब इससे क्या होगा कि आप चीजों की साइज को छोटा बड़ा इमेजिन कर पाएंगे और पास और दूर में भी इमेजिन कर पाएंगे. अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना वो गैस वाले बलून्स होते हैं ना जो हवा में तैरते रहते हैं, आपके हाथों में उस बलून की डोरी है और आपके हाथों में वो बलून है. और आप देखिए कि आपका नन्हा भाई आया, उसने उस पर पिंच बो दी और बलून फट गया. ठीक है, अब जब आपने ये बेसिक एक्सरसाइज कर ली तो आप देखिए कि आपके हाथों में एक सेब है. आप देखिए कि ये लाल रंग का रसीला सेब है, बिल्कुल जूसी सा. और आप इस सेब को धीरे धीरे अपने पास लाइए और आपने इसकी एक बाइट ली. इसकी खुशबू को महसूस कीजिए, उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए. आप उसकी एक बाइट ले रहे हैं, उसका टेस्ट आपके मुंह में आ रहा है. कैसा है, हल्का सा खट्टा है, हल्का सा मीठा है. आप उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए और अब आप अपने हाथ को दूर ले जाइए और सेब गायब हो गया. अब आपके हाथों में एक टेनिस बॉल आ गई, एक नन्ही सी छोटी सी टेनिस बॉल जिस पे डॉट्स बने होते हैं. उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए, कैसी है, हार्ड है बिल्कुल, उसकी सरफेस रफ है. और अब देखिए कि वो टेनिस बॉल भी गायब होगी और अब आपके हाथों में एक फुटबॉल है, एक बड़ा सा ब्लैक एंड वाइट फुटबॉल. थोड़ा सा भारी है तो आपके हाथ थोड़ा नीचे झुक गए, है ना. तो इस तरह से आपको इमेजिनेशन करना है. दूसरी एक्सरसाइज, अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो अपने आप को एज अ फर्स्ट पर्सन विजुअलाइज करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शायद हम अपने आप को दिन में कई बार शीशे में देखते हैं लेकिन हमें अपना चेहरा याद नहीं होगा. तो आपको मिरर के सामने जाना है, अपने आप को देखना है टॉप टू बॉटम, कैसे दिखते हैं, कैसी आंखें हैं, कैसी आईब्रोज हैं, कैसी नोज है, होठ है, चेहरा है, कान है, बाल कैसे हैं, हाथ कैसे हैं. आपको अपने आप को देखना है ध्यान से एक मिनट तक, और उसके बाद अपनी आंखों को बंद करके खुद को इमेजिन करना है कि आप कैसे दिखते हैं. ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है दोस्तों. ये आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी सेल्फ इमेज है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है. फिर आपको क्या करना है कि आपने दिन भर में आज जो किया, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्लास को इमेजिन कीजिए, उसी क्लास को री इमेजिन कीजिए कि कैसे आपने की टीचर ने आज आपकी क्लास दी थी, आप अपने दोस्तों से कैसे बोल रहे थे, किस तरीके से आपने नोट्स लिए. उस पुरानी जो मेमोरी है उसको इमेजिन कीजिए. ये आपके दिमाग को एक हैबिट डालेगा कि एक तो इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप पास्ट चीजों को बड़े अच्छे से याद कर पाएंगे जो पास्ट में घटा है, और दूसरी चीज क्या है, जो आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं आप उसको बड़े ही आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे. और फिर जब आप ये सारी स्किल्स करते करते पारंगत हो जाएंगे तो अब आपको इमेजिन करना उस हाईएस्ट सेल्फ के रूप में जो आप बनना चाहते हैं. आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप देखेंगे कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है, पेपर में आपका नंबर आया है, यू सीइंग इट, और आपकी आंखों में आंसू हैं और आपके शरीर, आपके रोए रोए में खुशी की लहर दौड़ रही है, और आप अपने घर वालों को कॉल कर रहे हैं कि हेलो पापा, आई गॉट सिलेक्टेड इन द आईएएस, और सारे आपके दोस्त आपको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, आपके घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, सामने मिठाई की
दुकान है जहाँ से आप मिठाई खरीद के लाते हैं, और किस तरीके से आप एक्ट करेंगे, वो आपका पहला सूट, वो आपकी टाई को लगाना है, एंड द वे आईएएस ऑफिसर वॉक. कभी आपने देखा है कि एक नॉर्मल आदमी कैसे वॉक करता है? झुका हुआ चला जा रहा है जिंदगी के बोझ को ढोते हुए अपने कंधों पर. लेकिन जब मैं किसी ऑफिसर से मिलती हूँ, सो ही हैज दैट प्राइड, उसके शोल्डर तने हुए, चिन अप रहता है, एंड ही वॉक्स विद अ प्राइड, आई एम समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग. जब सुबह उठता है ना, तो उसके पास एक मोटिव होता है, एक पर्पज होता है कि यस, आई एम गोइंग टू रॉक दिस डे. और यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यू आर गोइंग टू रॉक दिस लाइफ, यू आर गोइंग टू रॉक एंड रोल योर ड्रीम गाइस. सो कीप मूविंग एंड यूज दिस एक्सरसाइज एंड कॉमेंट बिलो दैट वॉट यू आर फीलिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.